स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, मेनली इसमें मैं कवर करूंगा। ये आप तो इसमें चल रहा है आपका अभी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने 560 प्रश्न कम्प्लीट कर लिया था, तो अगर आप नहीं देख लेंगे देख लेना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न थे। और ये बुक न्यू एडिशन का है, डेट मीन्स अभी जो 16, 17, 18, 19 में भी जो एग्जाम हुए हैं वो भी इसमें है, तो आपको वो आगामी एग्जाम में हेल्प देगा। तो चलो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी कहा जाता है महाधमनी। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। आंसर क्या होगा? ए। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां कौन से ब्लड का श्रवण करता है? जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन याद रखना, धमनियां प्योर ब्लड को, और सिरा जो होता है वो गंदे ब्लड को। गंदा ब्लड मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको ले जाता है, सिरा ले जाता है। और एकमात्र जगह होता है जहां पे धमनी गंदे ब्लड को ले जाता है, उसको पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, धमनी ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध, तो अभी मैं बताया था पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, देखो इस चीज में कंफ्यूज नहीं करना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। धमनी शुद्ध ब्लड को ले जाती है, सिरा, ये सिरा अशुद्ध ब्लड को ले जाता है। लेकिन एक जगह जहां से लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल में ब्लड जाता है, वहां पे पल्मोनरी धमनी जो होता है वहां पे वो अशुद्ध कर देता है, और पल्मोनरी सिरा जो होता है वो शुद्ध कर देता है। बस एक ही पार्ट ऐसा होता है जहां पे ऐसा होता है, अपोजिट काम करता है। नहीं तो हर एक जगह धमनियां शुद्ध ब्लड को ले जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन रहित ब्लड को, और सॉरी ऑक्सीजन सहित ब्लड को, और सिरा क्या होगा, अशुद्ध ब्लड को ले जाएगा। ये प्रश्न देखो आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती है? फुफ्फुसी सिरा। फुफ्फुस सिरा, आंसर क्या है यहाँ पे? डी। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस सिरा, आंसर यहाँ पे क्या है? डी। मानव रक्त का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये होता है पिलिया को। पिलिया को काफी इंपोर्टेंट है, पिलिया। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि ये क्या करता है, रक्त के प्रवाह को बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ये होता क्या है, जब ब्लड का जो गैपिंग मीन्स एयर वाला पार्ट होता है वो हार्ट में पहुंचता है, तो कुछ देर तक हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक होने की चांस होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उससे मरने वाले आदमी की जो मृत्यु होगी वो किस कारण से होगी, हार्ट अटैक से होगी, याद रखना। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम डायलिसिस। डायलिसिस, आंसर क्या है यहाँ पे? ए। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? मीन्स बीपी चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम जो वो पट्टी लगाते हैं, वो कौन से सिरा या धमनी किस पे वो काम करता है, जिस पे हम उसको माप पाते हैं, वो होते धमनियों पे। काफी अच्छा प्रश्न है, धमनियों पे। जो व्हाइट ब्लड है हमारे, सॉरी व्हाइट नहीं, जो सफेद, जो साफ ब्लड हमारे शरीर में ले जाता है धमनी, उसी के प्रेशर से हम माप पाते हैं कि रक्त का दाब कैसा है, बीपी चेक करते हैं। वो मशीन क्या होता है, स्फेग्नोमीटर, ठीक है ना। और हार्ट बीट के मशीन से कंफ्यूज नहीं करना, हार्ट बीट का होता है स्टेथोस्कोप, और ब्लड प्रेशर का होता है स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? उसका रक्त दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा, आंसर यहाँ पे। एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य दाब कितना होता है? 120/80, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना, 120 mmHg, आंसर ए। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमीटर, आंसर क्या है यहाँ पे? बी। जिक्र किए थे हम स्फेग्नोमीटर किसमें रक्त दाब को मापता है, ये करता है धमनियों में। काफी अच्छा प्रश्न है, धमनी याद रखना। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा प्रति स्तर 100 ml रुधिर होता है, कितना? 100 ml रुधिर में शर्करा कितना होता है? 80 से लेकर 100 mg तक। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यता स्तर होता है,
कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है 140 से 180 mg, 140 से 180 mg, आंसर है डी। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डी होता है 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में होता है 300। काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में होती है 8। मनुष्य के शरीर में पल्लिया कितने जोड़े होते हैं? पल्लिया कितने जोड़े होते हैं? 12। टोटल 24 होता है, तो 12 जोड़। मनुष्य में मेरुदंड या रिब में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? 31। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों की बनी होती है? स्पाइनल कॉलम बनी होती है 33 हड्डियों से। आंसर क्या है? ए। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या, मीन्स दांत जो दोबारा आता है वो होते हैं 20। आंसर क्या होगा? बी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होगी? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? यहाँ पे लंबी भी दिया गया और मजबूत भी दिया गया, कौन सी हो जाएगी? पूर्वास्थि। पूर्वास्थि आंसर क्या है? ए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, स्टेपीज कान की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कौन सी है? तो फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया, ये क्या है? पैरों की हड्डी है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, जब हड्डी जुड़ती है आपस में तो उसे हम कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट या अस्थिबंध। और हड्डी से अगर मांस जुड़ा होगा, चमड़ा जुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिंडन कहते हैं, टिंडन, याद रखना। मनुष्य के शरीर में वेंट्रोबड़ा, वेंट्रोबड़ा निम्न में से किसका भाग है? वेंट्रोबड़ा होता है रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का वेंट्रोबड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? इनमें से कौन सा अक्षीय हड्डी नहीं है? कंधा, कंधा। जबकि कपाल, मेरुदंड, पसली क्या है? अक्षीय हड्डी है। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मानव हड्डी का जोड़ का डिफरेंट नाम है, तो मैक्रो क्या होता है? जोड़ नहीं होता है, जबकि बॉल एवं सॉकेट, ग्लाइडिंग, साइकिल, ये सब विभिन्न जोड़ जो होता है। जैसे जोड़ क्या होता है, मतलब जैसे कहनी के पास आपका जोड़ होगा, यहाँ पे जोड़ हुआ, तो इसी जोड़ का नाम होता है बॉल एंड सॉकेट, सैंडल, ग्लाइडिंग, जबकि मैक्रो इसका नाम नहीं है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? मांसपेशियाँ होती है 639। आंसर क्या है यहाँ पे? बी। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में ये भी आएगा 600 से अधिक, ठीक ना, तो उस पर टिक करना। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां होती है दिल में, हार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेत्र गोलक का नियंत्रण करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसके नियंत्रण में करते हैं हम लोग 6 मांसपेशी का यूज। आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? शुक्रवाहिका, ये होता है मींस मेल में, पुरुष में, जबकि गर्भनाल, अंडाशय, गर्भाशय, ये सब किस में होता है? फीमेल में होता है, महिला में। मानव शरीर में निम्नलिखित, सॉरी, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये होता है डिम्बानी, डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। आंसर यहाँ पे क्या है? बी। कृत्रिम वीर्य सिंचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको, किनको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है? यह कृत्रिम वीर्य सिंचन में किसका प्रयोग किया जाता है? यह होता है केवल शुक्राणु का, केवल शुक्राणु। आंसर है यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? ये होता है जब निषेचन बाह्य होता है तो विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। जब निषेचन बाह्य होता है तो विकास क्या होता है? आंतरिक होता है। आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है एमनियोस्टेटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण को लिंग को, भ्रूण के लिंग को, मीन्स मेल है या फीमेल है, वो पता किया जाता है एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस, हालांकि ये बैन है अब। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय, पित्ताशय क्या है? एक ग्रंथि नहीं है। जबकि अधिवृक्क, किडनी जिसे कहते हैं, पीयूष, जिगर, ये सब क्या है? एक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी ग्रंथि इनमें से है लीवर, लीवर, काफी अच्छा प्रश्न है। सबसे लंबी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर।
मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? यह हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि शरीर के किस पार्ट में होता है? गला में होता है। गला में होता है। थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? ये करता है उपापचयन का नियंत्रण। उपापचयन का नियंत्रण थायराइड ग्रंथि। आंसर है यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रवित नहीं होता है? जो स्रवित नहीं होता है वो है थायमोसिन। थायमोसिन, जबकि थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोक्स, थायरोनिन और कैल्सिटोनिन ये सब क्या है? हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रवित होता है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, थायमोसिन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाता है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। आंसर है बी। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क के आधार में, सेंटर में होता है। आंसर है बी। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रवित नहीं किया जाता है? जो स्रवित नहीं होता है वो होता है एस्टेटोस्टाटीन, जबकि स्रवित होता है कौन कौन सा? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, वैसोप्रेसिन और पेलोक्टीन। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, यह बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में वृद्धिकर हार्मोन, काफी अच्छा प्रश्न याद रखिएगा। वृद्धिकर हार्मोन मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रवित करता है। दोनों स्रवित करेगा, अग्नाशय और पाचन ग्रंथि दोनों सेम ही होता है। तो अग्नाशय क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रवित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रवण करती है? इंसुलिन का स्रवण होता है अग्नाशय से। अग्नाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है? इसके लिए अनिवार्य होता है इंसुलिन। इंसुलिन। आंसर क्या है? सी। इंसुलिन की कमी से क्या होगा? इंसुलिन की कमी से हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज। कौन सा हार्मोन रक्त में संकरा या सरकरा की मात्रा नियंत्रित करता है? ये करता है इंसुलिन। इंसुलिन, इसलिए डायबिटीज वाले को कौन सा स्वीट दिया जाएगा? इंसुलिन का। पेनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। आंसर क्या है? बी। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय। इंसुलिन, इंसुलिन इनमें से कैसा होगा? रुधिर शर्करा को बढ़ाता है, मींस मेनली कंट्रोल करता है लेकिन वो बढ़ाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रवण करती है? वो करती है एंड्रिनल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि। आंसर क्या है? ए। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एंड्रिनेलिन को। एंड्रिनेलिन को। आंसर क्या है? सी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है? रक्तचाप का नियंत्रण होता है थाइमस। थाइमस ग्रंथि से। थाइमस। आंसर है सी। रक्तचाप को मापते किससे हैं? ब्लड प्रेशर को। कमेंट बॉक्स बताओ, जिक्र कर चुके हैं कई बार इसका। ब्लड प्रेशर किससे चेक करते हैं और हार्ट बीट किससे चेक करते हैं ये भी बता दो बिना पीछे देखे हुए। अब थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन। आंसर क्या होगा? बी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? विनियमित करता है पराबटू हार्मोन। पराबटू हार्मोन। हार्मोन का उदाहरण है, इसका उदाहरण होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। आंसर क्या है? ए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार्मोन इनमें से कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। आंसर है यहाँ पे ए। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। प्रोस्टेट एक प्रकार का ग्रंथि है। ग्रंथि है, ग्लैंड है। अश्रु ग्रंथि जिससे हम आंसू निकलते हैं, टीयर ग्लैंड, कहाँ स्थित होता है? यह होता है नेत्र गुहा में, नेत्र में, आंख में। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होता है? यह भी होता है आंख में। आंख में मीबोमियन। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है, ये होती है ताप नियंत्रण में, ताप नियमन में या नियंत्रण में। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? इनमें से कौन सा मादा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अस्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? ये अब की पूछा गया प्रश्न है एलपी में भी। ये था ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गाय या किसी भी स्तनधारी में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। ये क्या है, प्रकार का हार्मोन है। मनुष्य के नवजात शिशु को अस्तन ग्रंथि से निकले पहले श्रव्य को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है, ये करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। रोग प्रतिरोधक शक्ति आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे आपको मिलाना है कौन से हार्मोन का क्या काम है। तो एड्रेनलिन ये क्या करता है, गुस्सा ऑर्डर। एड्रेनलिन गुस्सा ऑर्डर। एस्ट्रोजेन ये महिलाओं में पाया जाने वाला है। इंसुलिन नियंत्रित करता है ग्लूकोज को। और तब फिर क्या हो जाएगा, फेरोमोन्स हो जाएगा, साथ ही आकर्षित करना गंध संग्रहण शक्ति के माध्यम से। यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे फिर हार्मोन है और स्रावी ग्लैंड है। कौन से ग्लैंड से यह हार्मोन निकलता है, तो पहला है कोलिप के हार्मोन। कोलिप के हार्मोन निकलता है पैराथायराइड से। पैराथायराइड से एल्डो एस्टोरोन ये निकलता है अधिविक्रीय ग्लैंड से। अधिविक्रीय ग्लैंड से प्रोलैक्टिन ये निकलता है प्यूस प्यूटरी ग्लैंड से। और मेलाटोनिन ये निकलता है पेनिलन ग्लैंड से। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो जाता है ये होता है जिगर। जिगर काफी इंपोर्टेंट है। सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाला पार्ट कौन सा है, जिगर ही है। सबसे लेट से ब्रेन। ब्रेन वो अपने आप ठीक नहीं होती जल्दी। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, यस्टोलिका होता है कान में। कान में मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है, ये करता है हमारे शरीर में उष्मा की हानि। उष्मा की हानि आंसर क्या है। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, ये हो सकता है वृक्क। वृक्क में किडनी होता है, वृक्क में वृक्कीय नलिकाओं में, ये सही है। यकृत और यकृतीय कोशिकाओं में, ये गलत है। लीवर में नहीं होता है। वृद्धंत में, ये सही है और ये गलत ही है। तो आंसर क्या है, एक और तीन मीन्स बी आंसर सही है आपका। वर्मी फॉर्म एपेडिक्स एक क्या है, वर्मी फॉर्म एपेडिक्स एक प्रकार का अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग है आंसर क्या होगा, बी। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है, उपापचय। उपापचय आंसर है यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे अधिकतम ऊर्जा प्रदान होता है एडीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होता है आंसर। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का और विचरण, अनुवांशिकता और विचरण आंसर है बी। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये होता है वाटसन के द्वारा, डब्ल्यू वाटसन। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, यह है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल आंसर है यहाँ पे बी। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया था, यह किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। ग्रेगर मेंडल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है, जीन का गठन करती है पॉलीन्यूक्लियोटाइडस। पॉलीन्यूक्लियोटाइडस आंसर क्या है, बी। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने जीन शब्द का सृजन किया था, यह है जोहानसन। जोहानसन आंसर है यहाँ पे बी। जीन है, जीन है एक डीएनए का भाग, डीएनए का एक पार्ट होता है आंसर है ए। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें, यह हो सकता है, ये होगा दोनों में हो सकता है, पुत्रियों और पुत्र, पुत्रियों के पुत्र में। मीन्स किसी के अगर नाना को होगा तो उसको होने का चांस बन जाता है, पुत्रियों के पुत्र में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है जो नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है, ये कौन सा है, ये होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन आंसर है बी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये थे ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज आंसर क्या है यहाँ पे, सी। फिर से पढ़ता हूँ,
उत्परिवर्तक का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? योगो डी ब्रिज। चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। टोटल 100+ था, मैंने साथ कंप्लीट कर लिया, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।